हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब। फिर मैं आज आ गया हूँ अपना न्यू ब्लॉग लेके। तो भाई आज का ब्लॉग ऐसे है कि आज है मंडे, और मंडे को तो सबको पता ही है कि ऑफिस वगैरह का काम रहता है। अभी चल रहे हैं ऑफिस, रेडी हो गए हैं। वाइफ की थी नाइट ड्यूटी, वो नाइट ड्यूटी करके अभी अभी आई है। और आज एक नई खास बात ये है कि आज मैंने ना सोमवार का व्रत रखा है, क्योंकि सावन चल रहे हैं तो सोमवार का व्रत रखा है। और वैसे मैं कभी व्रत रखता नहीं हूँ, लास्ट टाइम मैंने वैसे ही रख लिया था, लेकिन उसमें मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने दो बिस्किट खा लिए थे। बेटी को बिस्किट दे रहा था खाने के लिए सुबह सुबह, वो मैंने खा लिए। लेकिन आज प्रॉपर उसको फॉलो करेंगे रूल्स को, जैसे वाइफ ने लास्ट टाइम बोला था कि कुछ खाना नहीं होता। तो अभी फ़िलहाल मैंने खाया है दो बनाना और साथ में पिया एक गिलास दूध। और उसने मुझे बताया कि दो बनाना और एक गिलास दूध पी के ही व्रत की शुरुआत होती है, तो वो पी के आ गया हूँ। अभी सारे दिन कुछ नहीं खाएंगे, शाम को आके फिर वो लास्ट टाइम की तरह चीनी वाले परोठे आई थिंक आज भी खाने होंगे। तो देखते हैं फर्स्ट टाइम व्रत रखना कैसा होता है और क्या मैं इसको प्रॉपरली रख पाऊंगा या फिर कोई प्रॉब्लम आएगी। बाकी शिव जी का दिन है, शिव जी का वार है, तो शिव जी अपने आप संभाल लेंगे, अपने को क्या टेंशन है, है ना। तो आप लोग भी अगर शिव जी को मानते हो तो आप लोग भी व्रत रख सकते हो। मैं तो शिव जी को ही मानता हूँ वैसे, बाकी मैं और ज़्यादा किसी में बिलीव नहीं करता। बस यार यही है, अभी निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, गाड़ी स्टार्ट कर ली है। दो मिनट गाड़ी को स्टार्ट करके एक बार छोड़ना होता है, वो हो चुका। तो भाई अब आया हूँ ऑफिस से सुबह से। आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी रहा, दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। और वो देखो हमारी इच्छुदानी पार्क में जा रही है, चली गई पार्क में। और मैं घर आया हूँ, आज व्रत भी रखा है फर्स्ट टाइम। और ये बीवी रोटी तो बना रही है, तो उसको नहीं छेड़ते अभी बिल्कुल भी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ भी नहीं है यहाँ पे, इच्छु पार्क में गई है। सिद्धार्थ पार्क में गया, और सिद्धार्थ वो रहा, सिद्धार्थ ये रहा येलो टी शर्ट में खेल रहा है। और इच्छु गई है दादी के साथ पार्क। और आजकल जब से सुमन की डाइट ड्यूटी शुरू हुई है ना, तब से स्ट्रेस हो गया बहुत ज़्यादा। वाइफ के बिना हमारा काम चलता नहीं है, वाइफ की नाइट ड्यूटी होती है तो सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है इतने दिन से, ये भी अपना प्रॉपर ध्यान रख पाती, और वैसे भी नाइट ड्यूटी के अंदर बड़ा हेक्टिक हो जाता है हमारे लिए। तो चलो आज खाने में देखते हैं व्रत के अंदर मिलता है खाने में। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी जो है व्रत तोड़ने का टाइम आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने भी अपनी व्रत रखा है सुमन के साथ, तो ये बन रही है चाय और ये बने हैं परौंठे अपने पास, चीनी वाले परौंठे हैं, तो चीनी वाले परौंठे खाने हैं शाम को। वाइफ ने बताया कि व्रत के इस टाइम पे शाम को चीनी वाले परौंठे खाने होते हैं। तो ये अभी और पूजा करके आ गई है, बस चाय बन रही है, चाय बन के उसके बाद खाते हैं परौंठे। सुबह से कुछ खाया नहीं है, पानी पानी पी के काम चलाया है। ये हमारा कबाड़ी बच्चा जो है, ये देखो पूरा ड्रॉर इसने खाली कर दिया और सारा सामान जो है बिखरा दिया बाहर, सफाई कर रहा है। ये देखो ये ड्रॉर की सफाई कर रहा है, सारा ड्रॉर का सामान बाहर निकाल दिया इसने। इसको एक छोटा सा पेचकस चाहिए, उस पेचकस के चक्कर में इसने सारा है ड्रॉर ही खाली कर दिया। इसको बाल तो लेते हैं एक बार, अच्छी लग रही है, कच्ची चाय भी नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, ये फाइनली अपने खाना खा लिया। और ये देखो सिद्धार्थ, तो भाई इसने फाइनली अब ड्रॉर फिक्स कर दिया है, सारा सामान सोन वापस डाल दिया, जैसे हमने पहले रखा हुआ था सेम वैसे ही रख दिया है। बस इसने अपना सामान ढूंढना था, और इसका सामान कहाँ मिला पता है, कल शाम को लेके घूम रहा था उसको और छत पे जाके गिराया है, वो भी मैंने बताया इसको। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि नहीं मिला, अब ये झूठ बोलना शुरू कर चुका है। अगर इसने आज फर्स्ट टाइम झूठ बोला, अगर नेक्स्ट टाइम इसने झूठ बोला तो फिर इसको पेल लेंगे, पेल लेंगे बहुत ज्यादा तेरे को। और भाई वाइफ हो गई है तैयार जाने के लिए, बस अभी निकल जाएगी ऑफिस और फिर वही सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया, सारा काम मुझे करना पड़ेगा। अब इनको बच्चों को रोटी खिलानी पड़ेगी, और इनको रात को सुलाना तो बहुत मुश्किल, इनको रात को सुलाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। दांत आ नहीं रहा, इसका दांत ही नहीं आ रहा है बहुत दिन से, एक दांत आया वो भी थोड़ा सा तोड़ दिया, बस वो चली जाएगी और बस हम अकेले रह जाएंगे। वैसे भी ड्यूटी जा रही है तो खुशी हो जाती है, जैसे ही ऑफिस जाने का नाम आता है ना, वाइफ इतनी खुश हो जाती है ना कि पूछो मत, उसको बस ये हो जाता है कि हाँ फटाफट मैं जाऊँ ऑफिस और मेरा यहाँ से छुटकारा हो, क्योंकि हम लोग तो सारे दिन इसके पीछे पड़े रहते हैं। गोली लेके जा रही है, गोली लेके जाएगी और तैयार होकर जाती है, पता नहीं यार क्या चक्कर है, रोज जब भी ऑफिस जाते तैयार होकर जाते, घर में गंदी बने रहेगी। और ये इनका वही शुरू हो गया ड्रामा,
यूट्यूब चला के और उठा बैठ गए। इनको यूट्यूब चाहिए बस, सारा दिन कार्टून कार्टून। ये एक और चिन्ना आ गया, अब वो जा रही है ऑफिस, लेट हो गया। जरा देखो गाइस कितना हो चुका है, मतलब नाइट ड्यूटी हमेशा 8 बजे शुरू होती है 7:30 से, तो ये अब अंधेरे में निकली है और सुबह आएगी 9 बजे, तो तब तक के लिए ये तो गई। और बस अब मुझे बच्चों को रखना पड़ेगा और बच्चों को खाना खिलाना है, साथ में सुलाना सबसे मुश्किल काम है। अब ये टीवी पे बैठे हैं, अभी टीवी पे बैठ रहेंगे, जब तक मैं इनको उठाऊंगा नहीं ना यहाँ से तब तक ये टीवी पे बैठ रहेंगे, खाना खुना खाने तक। सो फ्रेंड्स अभी जो है बच्चों को खाना खिला दिया है, और खाना खाने के बाद सिद्धार्थ तो भाग गया नीचे, और ये इच्छू है मेरे पास, बस अब इसको सुला रहा है क्योंकि इसको आ रही है नींद, क्योंकि इसने पेट दर्द हो रहा है, उल्टी आने को भी हो रही है, इसका पेट भी दर्द हो रहा है खाना खाने के बाद, इसको ऐसे हो जाता है। और पता क्यों हो रहा है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका टीवी बंद कर दिया। जैसे टीवी बंद कर देते हैं उल्टी, पेट दर्द और सिर दर्द है ना। और जब अगर टीवी चलता रहेगा तो ठीक रहेगा ना, जब टीवी चलेगा तो क्या होगा, ठीक लगेगा। और चले सोए हैं, दूध कब पिएगी, दूध कब पिएगी, छोटे छोटे पिला देना, फिर तो उठती नहीं आज के बाद तो। चलो चलो पाको पापा के साथ छोड़ना है। मामा के साथ नहीं छोड़ना, नहीं पापा के साथ अच्छा लगता है, मामा के साथ नहीं, पापा को भी आपके साथ छोड़ना। चलो फिर भागो भागो भागो, चलो गुड नाइट, बाय बाय। तो गाइस अभी हमारा हो गया सोने का टाइम, तो इच्छो सुलाता हूँ, कर दे ब्लॉग में आगे से। चलो ठीक है, बाय कर सबको, गुड नाइट। पेट फट चुका है इसका, है ना, फटने वाला है, ज्यादा रोटी खा ली है। तो चलो गाइस मैं इनको सुला देता हूँ, इच्छू रानी को, इसको नींद आई है बहुत जोर से, क्योंकि अगर ये सोएगी उसके बाद ही कुछ एडिटिंग हो पाएगी, जब तक तो एडिटिंग भी नहीं कर सकते। मुझे दो एक बार मैं कुछ